हिसार में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस मौके पर हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, राज्य मंत्री कमल गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला सहित अन्य नेतागण मौजूद थे। इसके उद्घाटन के कुछ समय बाद ही हिसार और आसपास के जिलों को हिसार से चंडीगढ़ और हिसार से दिल्ली जाने की सुविधा मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बताया कि हिसार में एयरपोर्ट होने से हिसार और आसपास के लोगों को सुविधाएँ मिलेंगी। उन्होंने कहा कि जो पिछली सरकार नहीं कर पाई वो हमारी सरकार ने किया और हिसार में एयरपोर्ट की स्थापना की। आज हिसार और दिल्ली चंडीगढ़ तक जाने के लिए हवाई यात्रा शुरू की गई और आने वाले समय में इस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बना दिया जाएगा। हिसार दिल्ली एयरपोर्ट से 150 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए यह हवाई अड्डा कार्गो हवाई अड्डा बनेगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही नारनौल, करनाल, भिवानी, पिंजौर में 5000 मीटर की पट्टी बनाकर छोटी हवाई यात्रा शुरू की जाएगी। बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे इस 3.5 साल के कार्यकाल में इसकी जितने भी पेंडेंसी थी, जितने काम की, सब जो योजनाएं बीच में रुकी हुई थी, एक एक विभाग के साथ हमारी बातचीत, हमने तालमेल बैठाया। केंद्र में सिविल एविएशन विभाग, हमारा हरियाणा का सिविल एविएशन विभाग, हमारा जो लैंड डीएलएफ का पशुपालन विभाग, इन सब के साथ तालमेल बैठा करके और एक इस प्रोजेक्ट का आज उद्घाटन किया है। जो सिविल एयरपोर्ट हिसार का हम लोगों ने आज देखा है कि इसका सारा काम पूरा हुआ है। अब एयरपोर्ट को चालू करने में कई इसके कदम होते हैं, कई चरण होते हैं। एक चरण इसका आज पूरा हुआ है कि इस एयरपोर्ट की सारी सुविधाएं, एक एयरप्लेन को, एरोप्लेन को चलने के लिए जो आवश्यक चीजें होती हैं वो सारी आज पूरी कर दी गई हैं। आज 15 अगस्त के दिन मैं इस अवसर पर हरियाणा की जनता को, खास करके इस पश्चिमी हरियाणा के लोगों को इस एयरपोर्ट को समर्पित करता हूं, ताकि इसकी जो सेवाएं हैं अब उत्तरोत्तर जैसे जैसे सेवाएं बढ़ेंगी उन सेवाओं का उपयोग यहाँ के लिए हो सकेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा से चंडीगढ़ और दिल्ली के हवाई यात्रा शुरू कर दी है, जिसका किराया 1460 रुपये है। हिसार से उड़ने वाला हवाई यात्रा को हिमाचल, शिमला, धर्मशाला सहित अन्य स्थानों पर जोड़ने के लिए बातचीत चल रही है। इससे हरियाणा के लोग आसानी से हवाई यात्रा में घूमने के लिए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यहां से हवाई यात्राएं और बढ़ाई जाएंगी, इसके लिए दूसरी कंपनियों से भी तालमेल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कुछ जिलों में सिटी बस यात्रा शुरू कर दी है और अन्य जिलों में भी सिटी बस शुरू की जाएगी। हमारी बातचीत हो रही है, जैसे हिमाचल के जितने टूरिस्ट प्लेसेस हैं, शिमला है, कुल्लू है, धर्मशाला है, पिंजौर है, पिंजौर तो हमारा अपना है, तो इस प्रकार के जितने भी ये स्थान हैं वहाँ भी उनके साथ हमारी कनेक्टिविटी बन सके, तो ये बातचीत हमारी चल रही है। लेकिन जैसे ही यहाँ एयर यानी फ्लाइट शुरू होंगी, उस फ्लाइट के शुरू होने के बाद विभिन्न जो कंपनियाँ हैं वो आपसी बातचीत करके उन चीजों को आगे बढ़ाएंगी। आखिर ये कमर्शियल एक्टिविटी है और कमर्शियल एक्टिविटी में ये दो तरफा एक प्रकार से यानी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तभी ये चीजें आगे बढ़ती हैं।